हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप यादव आप सभी का अपने इस चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और बिना किसी देरी किए मैं आज को आपके टॉपिक से मिला देता हूं कि आज के टॉपिक कौन कौन से हैं और क्या क्या टॉपिक हमें आज पढ़ने हैं यहाँ से। ठीक है, आज बिल्कुल कोशिश करूँगा कि चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएँ। आज ना हमें इन दो वर्ड के बीच में डिफरेंस ही समझना है। अच्छा, हिंदी में तो मैंने यही पढ़ते हैं ना पहले, लेकिन क्या दोनों को एक साथ यूज़ कर पाएंगे हम एक जगह पे? क्या दोनों के मीनिंग सेम होंगे? ठीक है ना। अच्छा, वो बात समझने के लिए ना मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा आई वेंट टू दिल्ली ए वीक एगो और बिफोर। पहले स्टेटमेंट तो ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, When I met him, he had completed his project. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 years, और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एगोर बिफोर। तो आज ना हमें बस यही पढ़ना है कि एगो बिफोर में डिफरेंस क्या है, क्योंकि मीनिंग तो हम इसका निकाल लेते हैं ना पहले, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, देखो दोनों में एक डिफरेंस समझना। होते तो दोनों का मतलब बैकवर्ड ही है, तो पास्ट का टाइम है दोनों, लेकिन कौन सा बैकवर्ड है कौन सा नहीं है वो हमें समझना है। देखिए, ये जो एगो होता है ना, एगो होता है बैकवर्ड टू प्रेजेंट, या मैं कहूँ बैकवर्ड फ्रॉम प्रेजेंट। अभी जो हमने टाइमलाइन की बात की थी ना, ये कहीं ना कहीं वहाँ से रिलेटेड है। ठीक है, इसका मतलब प्रेजेंट का कोई भी एक पास्ट का एक सिंगल पॉइंट है वो एगो है, वो एगो है। लेकिन यदि मैं बिफोर की बात करने लगूँ, यदि मैं बिफोर की बात करने लगूँ तो ये बैकवर्ड टू प्रेजेंट नहीं होता, ये बैकवर्ड फ्रॉम पास्ट होता है। ठीक है, ये होता है बैकवर्ड फ्रॉम पास्ट। इसका मतलब पास्ट का जो पास्ट होता है ना, है ना, वही क्या कहलाता है, बिफोर। और जो एगो होता है ना, वो बैकवर्ड टू क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो मेरा कहने का मतलब है, प्रेजेंट से सिंगल पॉइंट पे जो पास्ट पॉइंट होता है वहाँ के लिए आप एगो लिखा करो, या सिंगल जो एक्शन होते हैं। और यदि आपने पास्ट परफेक्ट को ठीक से पढ़ा हुआ है कि दो एक्शन पास्ट में होते हैं, ठीक है ना, दो एक्शन यदि पास्ट में हों, ये प्रेजेंट हुआ, मान लिया कोई एक्शन कहाँ पर हुआ, यहाँ पर, ये हो गया पास्ट, इसे बोलते हैं सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन एक एक्शन इसी के रिलेशन में और वो इससे भी पहले हो गया, वो इससे भी पहले हो गया। अच्छा है तो ये भी पास्ट ही ना, लेकिन ये इसका भी पास्ट हो गया, इसे पास्ट ऑफ पास्ट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, पास्ट ऑफ पास्ट। इसे टेंस को लिखने के लिए हमें, इसे बताने के लिए हमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना पड़ता है। तो हमें पता चल जाता है कि ये पास्ट परफेक्ट है। कौन सा है ये, पास्ट परफेक्ट। आई थिंक नीचे का आपको चमक नहीं रहा होगा, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा समझ लेना। प्रेजेंट से एक पॉइंट पीछे गए पास्ट, पास्ट से और पास्ट में चले गए पास्ट ऑफ पास्ट। क्लियर है, पास्ट का भी पास्ट क्या कहलाता है, पास्ट परफेक्ट। तो मेरा कहने का मतलब है वही डिफरेंस एगो और बिफोर में। सिंगल जो एक्शन होता है पास्ट का, कोई सिंगल पॉइंट होता है, उसके लिए एगो लिखा करो, और बिफोर का यूज़ कहाँ पे किया करो, पास्ट ऑफ पास्ट में, यानी कि रिलेशन करने के लिए, जब पास्ट से भी एक पहले का टाइम पास्ट का हो वहाँ पे आप बिफोर लिखें। तो सीधा सा मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस में आप किसका यूज़ किया करें, जोन से भी क्लोज पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखे हो वहाँ पे आप बिफोर लिखें, वहाँ पे आप एगो नहीं लिख पाएंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, इस स्टेटमेंट को यदि हम देख रहे हैं तो एक सिंगल स्टेटमेंट है, आई वेंट टू दिल्ली अ वीक एगो। अच्छा, ये ना पास्ट के कोई सिंगल पॉइंट है एक हफ्ते पहले, तो वहाँ पे आप बिफोर नहीं लिख पाओगे, आपको क्या लिखना पड़ेगा, एगो मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, बुक में मिल जाता है कभी कभी लिखा हुआ स्लैश लगा के वहाँ पे कि एगो बिफोर कुछ भी लिखो, लेकिन ऐसे नहीं है, ऐसे सेम एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ऐसे। ठीक है, एगो बिफोर में बिल्कुल सिंपल सा डिफरेंस है, सिंगल पॉइंट के लिए एगो लिखा करो, और एगो से भी पहले लिखना हो कोई तो वहाँ बिफोर मेंशन किया करो। जैसे ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आई वेन आई मेट हिम ही हैड कम्प्लीटेड हिज प्रोजेक्ट 2 years एगो या बिफोर। अब एक बात बताना, ये इससे पास्ट में मिला है ना भाई, जब मैं उससे पास्ट में मिला तो वो उससे भी पहले, पास्ट किस पॉइंट पर ये मिला होगा इससे, लेकिन उसने तो अपना प्रोजेक्ट इससे भी पहले ख़त्म कर लिया। तो ये जो एक्शन अब लिखा जाएगा ना प्रोजेक्ट ख़त्म करने का, ये 2 साल पहले, इस पास्ट का भी पास्ट का पॉइंट है। क्लियर है, तो वो हमने हेड और थर्ड फॉर्म में मेंशन किया हुआ है। ये आपको भी पता होगा कि दो वो पास्ट में दे रखी हो, और एक अर्लियर एक्शन और एक लेटर एक्शन हो, प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग एक्शन।
तो जो प्रीसीडिंग एक्शन होता है, जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है, और जो काम बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट का होता है। बस वही डिफरेंस इज एगो और बिफोर में। तो ये जो एक्शन है ना, ये पास्ट का भी पास्ट है, यानी कि इससे भी पहले ये एक्शन हुआ है, तो वहाँ पे एगो नहीं लिख पाओगे, वहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, बिफोर लिखना पड़ेगा। तो बस यही एक छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, इसे ध्यान रखना, ठीक है। एगो होता है बैकवर्ड फ्रॉम प्रेजेंट, और ये क्या होता है बिफोर, बैकवर्ड फ्रॉम पास्ट। अब एक स्टेटमेंट और मैं लिख देता हूँ, फिर वहां से बात समझ में आ जाएगी। मैंने लिखा आई फाउंड दैट समवन माई बैग, समवन स्टोल माई बैग 2 weeks ago। अब इसे थोड़ा समझना स्टेटमेंट को ध्यान से। यहाँ पे एक क्लोज ये दी हुई आई फाउंड, और एक क्लोज यहाँ से शुरू है, दैट हमने कंजक्शन लगा के जोड़ दी। अब मेन चीज़ देखोगे ना, तो फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड लिखी हुई है हमने, ठीक है, और स्टील जो चुराना होता है उसके हमने सेकंड फॉर्म क्या लिखी हुई है, स्टोल। स्टील के सेकंड फॉर्म ने क्या लिखी हुई है, स्टोल, और थर्ड फॉर्म होती है स्टोलन। इसका मतलब ये भी पास्ट और ये भी पास्ट है ना। इसका मतलब तो ये कहना चाह रहा है कि दोनों पास्ट के किसी एक पॉइंट पर ही खत्म हो गए दोनों काम, लेकिन ऐसा तो नहीं है। उसे बाद में पता चला होगा, पहले उसका पर्स चुरा लिया होगा किसी ने, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना भाई, कोई काम हो जाएगा उसके बाद ही तो पता चलेगा। तो ये कहना चाह रहा है आई फाउंड दैट समवन स्टोल माय बैग 2 weeks ago, है ना भाई, मुझे पता लगा कि किसी ने मेरा बैग ना 2 हफ्ते पहले चुरा लिया। तो इसका मतलब ये जो काम हुआ ये इससे भी पहले काम है, ये पास्ट का भी पास्ट है। तो पहली बात तो इसकी वर्ब से ही करो, ठीक है। इस पे ना मैं एक अलग से आपकी वीडियो डाल दूंगा, पास्ट परफेक्ट पर, पास्ट इंडेफिनिट पे। तो इसे यहाँ पे लिखो हैड स्टोलन। अच्छा, क्योंकि पास्ट का पास्ट पॉइंट हो गया तो यहाँ पे एगो भी नहीं लिख पाओगे, बिफोर मेंशन करना पड़ेगा आपको। तो फ्रेंड्स सीधी सीधी सी बात है, ठीक है, एगो और बिफोर को याद रखना, एक जगह पे दोनों नहीं लिखे जाएंगे कभी भी। प्रेजेंट से एक पॉइंट पर जाओगे पास्ट के तो एगो लिखना, अगर एगो से भी पहले जाना चाहते हो पास्ट का भी पास्ट, पास्ट परफेक्ट में, तो किसका यूज़ करेंगे आप, बिफोर का। क्लियर हो गया, एगो और बिफोर में बिल्कुल ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आजकल आता बहुत है। क्लियर है, तो आज के लिए इतने। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए यार, ठीक है। ओके बाय, राम राम सभी को।